4 सालों के लिए देश के युवाओं को सेना में भर्ती करने की केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ का विरोध अब शुरू हुआ, तो इस विरोध को संभालने के लिए अब सेना का अनुभव रखने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और बीजेपी के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स आगे आए हैं। हिसार में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। केंद्र की सरकार की तरफ से देश के युवाओं के लिए अग्निपथ योजना सेना में शुरू की गई, तो उसी को लेकर विरोध की आवाजें भी उठने लगी। विरोध की इन्हीं आवाजों का जवाब देने के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और राज्यसभा सांसद डीपी वत्स सामने आए हैं। वत्स साहब, अग्निपथ योजना केंद्र की सरकार की तरफ से लागू कर दी गई और कहा जा रहा है कि 4 साल के लिए वेतन पर रखे जाएंगे सैनिक, खामियां क्या है और खूबियां क्या है? इसकी खूबियां तो ये है कि पहले तो 4 साल में रिजल्ट आएगा, जिसके लिए खौफ फैलाया जा रहा है और जिसके लिए भ्रमित किया जा रहा है। 4 साल तक तो आपको पहले साल में 40,000 नौकरियां, दूसरे साल में भी इतनी, तीसरे साल में भी इतनी, जो 1.5 लाख वैकेंसीज हैं उनको पूरा किया जाएगा और फौज को फायदा ही होगा मैन पावर का। उसके बाद रिटेंशन के भी हैं, फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रायोरिटी मिलेगी नौकरियों में, CAPF यानी के पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी। और मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, कि हम नौकरियों में उनको वरीयता देंगे, वरीयता मिलेगी तो उनको सेटल होने में मदद मिलेगी, वही सेटल होंगे और बाकी वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बन के आएंगे, डिप्लोमा लेके आएंगे, साथ में 12वीं का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, उनको वरीयता भी होगी, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। 12 लाख रुपए उनके हाथ में होंगे। विरोध की आवाजें इसलिए उठ रही हैं कि 4 साल के लिए सेना में कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती से माना जा रहा है, कच्ची नौकरी युवाओं का भला कितना कर पाएगी, यही देश के सामने सवाल है। देखो, कच्ची नौकरी और पक्की नौकरी की बात यह है, पहले नौकरी जो अब भी पक्की नौकरी का पैटर्न है उसमें भी 30 में से 1 भर्ती होता है कैंडिडेट, तो 30 में से 1 प्रोपोर्शन बहुत लो प्रोपोर्शन है और 1.5 लाख वैकेंसियां पड़ी हैं, पहले इनको भरो। उसके बाद अब युद्ध का स्वरूप बदल गया, इसलिए हमें हर जगह फौजी चाहिए, हर जगह ट्रेंड टेक्निकली कॉम्पिटेंट चाहिए। उसके लिए क्योंकि टेररिज्म आ गई, सिर्फ बॉर्डर पे ही लड़ाई नहीं है, और क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं इसलिए हमें अपने घर में ज़्यादा मुस्तैद रहना पड़ेगा। उसके लिए ये सैनिक ट्रेनिंग जो है, सैन्य ट्रेनिंग हर एक नागरिक के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको वॉलंटरी किया, दूसरे देशों में तो इसको लाजमी किया जाता है। ये केंद्र की तरफ से लागू की गई अग्निपथ योजना के फायदे गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं डीपी वत्स, राज्यसभा सांसद भी हैं, इसके अलावा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का अनुभव भी उनके पास, और यही वजह की अपने अनुभव के आधार पर वो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।